सर जो श्री गुरु शरणम पैलेस के संबंध में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई है उसके संबंध में अपडेट कर दीजिए। आज गुरुशरणम होटल की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आरबीओ एक्ट के तहत संपन्न हुई है। ये कार्रवाई करीब 12 से 15 घंटे चली है। मेन इसका जो इशू था, ये नक्शे से इतर बना हुआ था और लैंड यूज इसका कब्रिस्तान था। ये जो गुरुशरणम पैलेस है वो एक शासन के द्वारा चिन्हित राज्य स्तर की माफिया अनुपम दुबे का था। और अनुपम दुबे एक बहुत ही शातिर किस्म का और दुर्दांत अपराधी है, जिसके विरुद्ध कुल 63 मुकदमे पंजीकृत हैं और पुलिस लगातार इन पर कार्रवाई कर रही है। पुलिस और प्रशासन की के सहयोग से अब तक कुल खरीद वैल्यू के मुताबिक इनका 91 करोड़ की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। और जो इन्होंने अवैध तरीके से आज ये अपना होटल बनाया था उसे ध्वस्त किया गया है। और ये अपराध जगत में 1987 से हैं और तब से अपराध के माध्यम से अपनी संपत्ति अर्जित किए हैं। और ये उत्तर प्रदेश पुलिस और शासन की अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस के अंतर्गत की गई कार्रवाई है।